सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सत्य आर्ट यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर टेक वीडियो। फ्रेंड्स, मैं दोबारा से आपके लिए टेक वीडियो लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सअप जो नया व्हाट्सअप आया जिसको बोलते हैं पिंक व्हाट्सअप, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या है, उससे बचने का तरीका बताऊंगा और उससे बचने के फायदे भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो हाँ, इस चारों से पांचों पॉइंट को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे तक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये व्हाट्सअप आता है एक लिंक के थ्रू जो व्हाट्सअप में शेयर किया जाता है। फ्रेंड, इस लिंक के थ्रू उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप ने अभी तक अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो अभी तुरंत इस लिंक पर टैप करके उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप जो आया है वो व्हाट्सएप के डेवलपर के साइट से आया है और अब आप तो व्हाट्सएप पिंक हो जाएगा, यानी कि वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेजते हैं। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजते हैं तो बोलते हैं कि इस ऐप को आप जाके थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा थ्रू डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल से। फिर डाउनलोड होने के बाद ये आपके मोबाइल के जितने भी डाटा उसको एक्सेस कर लेता है। एक्सेस करने के बाद अगर आप कोई भी मैसेज किसी भी अदर पर्सन को भेजते हैं तो ये बीच में थर्ड पर्सन का काम करता है और आपके जितना भी इंफॉर्मेशन उसको रीड करके अपने पास अटैच करके रख लेता है। उसके बाद इसको डार्क वेब में भेजता है। डार्क वेब में भेजने के बाद जो उससे क्वाइंस होते हैं, आप जानते ही होंगे कि डार्क वेब में ये रुपीस करेंसी में नहीं बेची जाता है कोई भी डाटा, वहाँ बस क्रिप्टो करेंसी। आपने नाम ही सुना होगा, इस साल का सबसे फेमस ये इंटरनेट करेंसी, जैसे हमारे इंडिया का करेंसी रुपया है वैसे ही इंटरनेट का करेंसी है बिटकॉइन। तो फ्रेंड्स, इसके थ्रू ये बिटकॉइन के थ्रू आपके पर्सनल डाटा को बेचते हैं। उसका बेचने के बाद जो भी डाटा होता बचता है उसको फ्री में बेच देते हैं। अब इसके मैं बचने का तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास कोई भी लिंक आया कहीं से, क्योंकि अगर ये न्यू व्हाट्सएप आया है डेवलपर के थ्रू तो आप इसको कभी भी अपडेट मत करिएगा। अगर वो डायरेक्ट प्ले स्टोर से मिलता है तो आप जरूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर में जो भी ऐप्स होते हैं एकदम जेन्युइन होते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, MPL खेलते हैं या ड्रीम इलेवन खेलते हैं, व्हाट्सएप में क्यों नहीं, वो प्ले स्टोर में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो गाइडलाइंस है, यानी कि जो प्ले स्टोर की गाइडलाइंस है, गूगल की गाइडलाइंस है, उसमें वो पॉलिसी नहीं है कि आप किसी भी पैसे के थ्रू आप अपनी टीम बनवाइए और पैसा कमाइए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि वो ऐप आपको क्रोम ही मिलेंगे, आपको वहाँ पास नहीं मिल सकते प्ले स्टोर में, क्योंकि वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, गूगल की पॉलिसी या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और खुद उसका ही गाइडलाइंस और पॉलिसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये होता है। अब आपको मैं इससे बचने का फायदा बताता हूँ। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये एक मलेशियस ऐप है, यानी कि जो इसके डेवलपर्स है वो मलेशियन है। आप जानते हैं कि मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक होता है। फिर ये इसलिए किया जाता है, ये एक फिशिंग अटैक होता है। जैसे आप जानते होंगे कि फिश को पकड़ने के लिए चारा लगाते हैं, उसका जो रहता है पकड़ने वाला, उसी तरह ये चारा देते हैं, यानी कि पिंक व्हाट्सएप चारा हो गया, आप मछली हो गए और वो लोग पकड़ने वाले हो गए, डेवलपर्स हो गए। आपने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ व्हाट्सएप अपडेट कर लूँगा तो मेरा पिंक हो जाएगा, तो न्यू होगा तो मेरा एक, हमारे देश में बहुत लेजेंडरी लोग भी रहते हैं जो व्हाट्सएप को अपडेट कर ले, जैसे GB व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप प्लस हो गया, इस तरह के व्हाट्सएप जो डेवलपर्स होते हैं, जो डेवलप किए होते हैं, उसमें बग्स ऐड कर देते हैं, कोई भी वायरस ऐड कर देते हैं, जिससे वो आपके मोबाइल पे आ जाता है, आपके बैकग्राउंड में रन करता रहता है और आपके जो मोबाइल डाटा है, मोबाइल डाटा हो गया, फोटोज हो गई, बैंक डिटेल्स हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इन सबको एक्सेस कर लेता है। एक्सेस करने के बाद उसको डेवलपर्स के पास रख लेते हैं और फिर आपका जो बैंक की डिटेल्स है उसको हैक करके डार्क वेब में लेते हैं, तो उनसे फायदा और पैसा कमा लेते हैं। फ्रेंड, आपको इन सबसे बचना है। आपको जो व्हाट्सएप है मेन व्हाट्सएप जो कि प्ले स्टोर में मिलता है उसको ही डाउनलोड करके रखना है। दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसी कोई भी लिंक है तो तुरंत उसको जान ले कि वो जनरल लिंक है या कोई थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा भेजी गई लिंक है। तीसरी बात, आपके पास अगर कोई लिंक के थ्रू या आप अगर क्रोम खोलते हैं वहाँ पास भी कोई मैसेज आता है कि नया नया व्हाट्सएप आ गया, आप इसको अपडेट कर लीजिए, न्यू UI मिलेगा, डेवलपर की साइड से आया है व्हाट्सएप के, तो आपको अपडेट नहीं कर पाना। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया में बहुत ही लोग, कम पढ़े लिखे लोग हैं जो अभी न्यू यूजर्स हैं, वो अपडेट कर लेते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये जनरल है कि नहीं जनरल है, उनको पता नहीं होता। वो अभी देखकर
आईपीएल चल रहा है तो लोग फ्री में पैसे बचाने के चक्कर में थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम से आईपीएल देखने के चक्कर में, और फिर उनका जो डाटा होता है प्राइवेसी डाटा होगा, फोन कॉल्स हो गई, फोन डिटेल्स हो गई, वीडियोस हो गई, फोटोज हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बैंक डिटेल्स हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, ये सब हैक कर लेते हैं। वो हैक करने के बाद उसको डार्क वेब में भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कल आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो अगली वीडियो के लोग आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। गुड बाय।